दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर एक तरफ जो विपक्ष है वो हल्ला मचा रहा है वो गलत हुई है हंगामा नहीं मचाना चाहिए। देश के केस में, आ, किसी भी तरह से देश के खिलाफ अगर कोई भी कॉन्स्पेरे करता है चाहे वो दिशा रवि हो चाहे इसके अलावा कन्हैया कुमार हो चाहे कोई भी हो किसी की कोई भी उम्र हो कोई भी जाति हो कोई भी धर्म हो कोई भी कलर हो अगर कोई भी देश के खिलाफ कॉन्स्पेरेसी कर रहा है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए चाहे वो दिशा रवि हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो और जहाँ तक बात विपक्ष की है और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि वो इक्कीस साल की थी तो तेईस साल का एक लड़का मुंबई में खड़े होकर ए के लेकर इस देश के नागरिकों को किस तरह से भून रहा है ये देश भूला नहीं होगा इसी देश में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के जो नारे लग रहे थे वो स्टूडेंट ही थे 21 बाईस 25 साल के ही रहे होंगे आप मुझे एक चीज बताइए हिजबुल का कमांडर बुरहान वानी इक्कीस साल का था तो क्या करें क्या करें भूल जाए उनको छोड़ दें मतलब मुझे एक चीज बताइए अजमल का साहब अगर तेईस साल का तो क्या करें वो ए के फोर्टी सेवन लेकर जो वो लोगों को मार रहा था छोड़ दें उसको नहीं छोड़ सकते ना इक्कीस साल का हो या इकहत्तर साल का हो या इक्यानवे साल का हो देश के खिलाफ जो भी कॉन्स्पेरेसी करेगा हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना ही होगा और एक और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है इसी देश में अंकुश ठाकुर नाम का एक लड़का था जो गलवान घाटी में सीने पर गोली खाकर मरा सिर्फ इसलिए कि अपने देश की एक इंच जमीन नहीं जाए मेरे ही देश में तेईस साल के भगत सिंह ने इसलिए फांसी को चूज कर लिया था क्योंकि वो चाहते थे कि ये देश आजाद हो जबकि आजादी उन्होंने देखी भी नहीं तो इसलिए मुझे भगत सिंह और इसके अलावा अंकुश ठाकुर जैसे इक्कीस साल वाले लोग चाहिए गिरफ्तारी गलत हुई है एक तरफ तो ये कहते हैं कि आंदोलन को लेकर हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है आप वो भी राजनीति करने के लिए उतर आए देखिए फूल किड सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी नहीं हो सकते कुछ और भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है जैसा कि संबित भाई ने कहा कि इस देश में फूल किड भी है तो एक चीज तो ये बात है दूसरा जहां तक बात विरोध की है इनकी आदत हो गई है विरोध करना मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसी की बात करते हैं मैं तो कोर्ट नहीं हूं ना ही मैं ना सरकार कोर्ट चला रही है ना कोर्ट्स में जो मेरिट पर चीजें हो रही हैं आधारित हो रही हैं उसके हिसाब को कोई गलत माना जा सकता है मेरा देश विपक्ष से तो चलता नहीं मेरा देश चलता है मेरे देश का कानून चलता है इस देश की कोर्ट से कोर्ट ने प्रायमा फैसाए माना है कि जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन पुलिस ने वहां पर कोर्ट में प्रोड्यूस किए उसके बाद पांच दिन का इन्वेस्टिगेशन उसको मिला पांच दिन का इन्वेस्टिगेशन मिलने का मतलब यह है कि हाँ उसने कुछ कॉन्स्पिरसी की है अब उसकी चैट्स निकल कर आई हैं चैट्स में वो ग्रेटा थनबर्ग से बात कर रही है वो कह रही है ग्रेटा थनबर्ग कहती है उसको कि मुझे यहां पर काफी परेशानी हो रही है मुझे कुछ ना कुछ पोस्ट करना पड़ेगा ये पोस्ट करने के बाद की बात है तो यह कहती है बहुत परेशानी की बात है आप कुछ और पोस्ट मत कीजिएगा मैं अपने वकील से बात करती हूं हमें यूएपीए लग सके मतलब उसको पता है वो जो कर रही है वो देशद्रोह है वो यूएपीए लगा सकती है और ये ये कौन सी मुझे समझ में नहीं आता मैं फिर से यही कहना चाहता हूं। a, मैं हर किसी महिला का सम्मान करता हूं लेकिन अगर कोई मेरे देश के खिलाफ कोई एजेंडा चलाएगा तो मैं उसको इसी तरह से एक्सपोज करूंगा पेशेंट एंड मोर ओवर उसमें भी ज्यादा उसका अचीवमेंट क्या है मेरे देश में 106 साल की एक महिला है जिसको अभी पद्म भूषण मिला है और उसने अपने जीवन में 8000 पेड़ लगाए हैं मेरे लिए वो एनवायरमेंटलिस्ट है मेरा भतीजा भी रोज सुबह दो घंटे मंदिर में सफाई करके आता है तो क्या करूँ उसके ट्विटर बायो में क्या लिखूं एनवायरमेंटलिस्ट लिख दूँ मैं ऐसा नहीं हो सकता ना सो so, कृपया करके इस देश को नैरेटिव चेंज करने की बहुत जरूरत है और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ग्रेटा थनबर्ग थी कि दुनिया में एक अलग चीज है एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है उनके नाम से लेकिन मेरे देश में उससे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं मेरे देश वो देश है जहां पर दशवर्थ माजी से लेकर और जिस महिला की थर्मला की मैं बात कर रहा हूँ वो है जो 100 साल 106 साल की हैं जिन्होंने 8000 हजार पेड़ लगाए मुझे क्या जरूरत है 14 साल की एक महिला जो मेरे देश को बद, एक लड़की जो मेरे देश को बदनाम करना चाहती है और जिसका एजेंडा सिर्फ यही है और जिसकी टूल पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है उसके साथ मिलकर इक्कीस साल की मेरे देश की एक महिला अगर इस तरह के प्रोपगेंडा में इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा विपक्ष को अगर मिर्ची लग रही है तो लगती रहे अभी आपने देश की जनता की बात की तो देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से एक एक करके सबकी गिरफ्तारी हो गई है जिसका नाम जिनका भी नाम छब्बीस तारीख को जो हुई हिंसा में शामिल था तो अब इसको लेकर देश की जनता ये भी कह रही है कि राकेश टिकेश से भी पूछताछ होनी चाहिए और गिरफ्तारी उनकी भी होनी चाहिए पूछताछ पूछताछ होगी होगी क्यों नहीं हो तो राकेश टेकैत क्या कोई सुपर कवर्ड मैन है जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती या उनसे पूछताछ नहीं हो सकती इस देश में हर किसी से पूछताछ हो सकती है इस देश में जो भी देश के खिलाफ एजेंडा चलाएगा चाहे वो इस देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति क्यों न हो पूछताछ हो सकती है वो अलग बात है कि महाराष्ट्र की सरकार पलट गई अपनी बात से लेकिन जब इस देश में लता मंगेशकर की पूछताछ होने की बात हो सकती है और सचिन तेंदुलकर की बात हो सकती है तो कौन है ये कौन है राकेश टिकैत क्यों नहीं हो सकती एक व्यक्ति जिस एक महिला और एक पुरुष जिसने पूरा जीवन अपने देश को दे दिया एक सचिन तेंदुलकर जिसने पूरे देश का भार अपने कंधों पर उठाया अगर उससे इन्वेस्टिगेशन की बात हो सकती है तो ये कौन है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और एक हज़ार परसेंट होगी और ये सरकार जरूर करेगी लेकिन अगर किसी को ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लगता है तो प्रोपेगेंडा सही मेरा देश मेरे देश के कानून से चलेगा कोर्ट से चलेगा न्याय व्यवस्था से चलेगा और देश के एक-एक देश के खिलाफ एक-एक व्यक्ति जिसने प्रोपेगेंडा किया है या जो कर रहा था या जो सोच रहा था चाहे वो कोई पत्रकार हो मुझे सुनने में भी आया एक एजेंडा दिन रात नैरेटिव चलाता था वो भी इसका हिस्सा है आने दीजिए आने दीजिए ना इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाकर और अगर आप सोचते हो कि बच जाओगे तो ये कांग्रेस की सरकार नहीं है घर में से निकाल कर मारेंगे सर यहाँ पर अभी राकेश टिकेट को लेकर बातें ये भी हो रही हैं कि राकेश टिकेत हो या फिर जितने भी आंदोलनकारी जो ये कह रहे हैं कि जितने भी लोगों को हिंसा में पकड़ा गया है उन्हें छोड़ो और यही बातें दिशा को लेकर हो रही हैं तो लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं सारे राज खुलकर सामने ना आ जाए इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप इसको दिशा कहना ही बंद कर दीजिए दिशाहीन कहिए इसको तो सबसे बेहतर नाम इनके लिए दिशाहीन है दिशा तो नहीं हो सकती उनकी इक्कीस साल की एक लड़की मैं कहूंगा जिसको पता है कि वो कॉन्सिक्वेंस जो वो कर रही है उसके कॉन्सिक्वें क्या हैं वो जानती है उस चीज को पे कम्युनिकेशन हो रहे हैं प्लान हो रहा है कि जितनी भी भारत की एम्बसी दुनिया भर में हैं उनके सामने प्रदर्शन हो इंटरनेशनल एक, एक तरह से डिजिटल स्ट्राइक किया जाए हिंदुस्तान पे ये कौन से किसान को समर्थन कर रहे हैं भाई आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपको किसानों के लिए समर्थन में लड़ना है ना मैं कहता हूं कि अगर आपको सरकार से प्रॉब्लम है 130 करोड़ लोग भी अगर इस बिल से इतफाक नहीं रखते और किसानों के साथ हैं आ जाइए सड़कों पर सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं बात करेगी सरकार और सारी चीज़ों का निस्तारण भी करेगी लेकिन मामला जब आप ये करते करते देश के खिलाफ आ जाते हैं ना तो आप चाहे वो किसान का कंधा इस्तेमाल करें चाहे किसी और का इस्तेमाल करें चाहे आपको किसी बात का एक नेरेटिव बिल्ड करना हो हम वहाँ चलने नहीं देंगे कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में आप जाएंगे ये साबित किया जाएगा कि आपने क्या किया है और कैसी कैसी चीज़ें कमाल की बात यह है मुझे तो समझ में नहीं आता कि वहाँ पर राकेश टिकैत बैठकर बोल रहे हैं कि दशा रवि को छोड़ा जाए अरे भाई ऐसा कौन सा कनेक्शन है करने दीजिए ना इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती इन्वेस्टिगेट करने दीजिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है पहली बात तो विपक्ष होता कौन है इस बात को कहने वाला कि क्यों नहीं होनी चाहिए मेरे साथ अभी बैठे हुए थे एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं पुराने जमाने में एक नेता हुआ करते आशुतोष जी वो भी मुझे यही कह रहे थे आशुतोष जी कह रहे थे चैनल पर मुझे कि वो तीन अखबारों ने ये लिखा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है दिशा रवि की गर, गलत हुई है मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा जवाब नहीं दिया उन्होंने मैंने कहा अब एक चीज़ बताइए कोर्ट के हिसाब से देश चलेगा या अखबारों के हिसाब से देश चलेगा अखबारों की अपनी रेपुटेशन हो सकती है लेकिन कोर्ट को तो लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो मैं तो कोर्ट को ही मानूंगा ना ये तो हास्यास्पद है इस तरह का प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है एक तरफ राकेश इस तरीके की बातें कर रही हूँ और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी इसी तरीके का राग लाप रहे हैं आज उदित राज ने कहा कि कोर्ट के जो जज है उन्होंने आपस में समझौता कर लिया है उदित राज जी को भावी अध्यक्ष होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ सबसे पहले तो कांग्रेस की कि वो जल्दी ही बनेंगे लेकिन अगर वो बन जाएं तो वो राहुल गांधी से भी बड़ा ब्लंडर साबित होंगे कांग्रेस के लिए जिस तरह की भाषा ये जुडिशियरी के लिए इस्तेमाल की जाती है ये अपने आप में बहुत गुनाह और बहुत गलत चीज़ है मैं किसी भी प्रदेश के किसी भी जजेस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता और जुडिशरी पर नहीं करना चाहता और उतना मेरा वो भी नहीं है लेकिन मैं इतना याद दिला देना चाहता हूँ इसी कांग्रेस को शायद अच्छी तरह से इनको पता ना हो या इतिहास पढ़ा ना हो कहते ये जरूर अपने आप को पता नहीं इंजीनियर प्रोफेसर क्या कहते हैं नाइनटीन में अभियुक्त थे रंगनाथ मिश्रा 1984 के राइट्स में अभियुक्त थे रंगनाथ मिश्रा उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था इस देश में गया तो प्लीज कृपया करके यहां इस बात का लेक्चर ना दें और इस बात का भी लेक्चर ना दें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा इस देश में कोई बोल नहीं सकता कोई कुछ कर नहीं सकता इन्हीं के जो अब्बा जानते राजीव गांधी वही इस देश में इंडियन पोस्टल एक्ट लेकर आए थे उनको भी खोल खोल के सरकार पढ़ सके आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ रहा है आज उन्नीस में केरला में आपने सरकार सिर्फ इसलिए गिरा दी थी क्योंकि वो आपकी कांग्रेस की नहीं थी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी थ्री लगा दिया था आपने तो मुझे लगता है कि ये लेक्चरबाजी रुक जानी चाहिए और जहां तक बात देश की एकता की है अखंडता की है सवर्निटी की है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए स्टेट हैज द फुल राइट फुल राइट टू यू नो कवर इट्स एट एनी कॉस्ट अगर मैं फिर से राकेश टिकैत की बात करूं तो राकेश टिकैत को लेकर जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पर राकेश टिकैत घबराए भी हुए हैं क्योंकि जब उनसे पूछताछ होगी तो पूछताछ कई तरीकों से होगी और उनकी जो जिनकी जितनी भी जायदाद है उसको लेकर भी होगी इसलिए डर है उन्हें कहीं ना कहीं कि उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए इसीलिए वो हर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं देखिए मुझे एक चीज़ लगती है कि इस देश में किसी के खिलाफ भी अगर सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझ लें कि चाहे नेता किसान का हो चाहे नॉर्मल हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो किसी का भी हो अगर उसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगते हैं तो उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी क्योंकि वो चार्जेस फ्रेम करती है पुलिस पुलिस का काम होता है सबूत के साथ कोर्ट में जाना उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है जब अभी दिशा के, के केस में भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेक्चर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं और अभी इस समय इंटेलेक्ट लॉबी खड़ी हो गई है पूरी तरीके से ऐसा नहीं वैसा नहीं पुलिस को बहुत क्लियर कट तरीके से पता है लुटियंस गैंग खड़ा हो गया है ये जो जो पत्तल कार्ड नए नए हैं खड़े हो गए हैं

ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ही चैट निकाल सकती है और भी तो निकाल सकते हैं ना लोग तो निकल गए इतने करोड़ रुपए वाला कनेक्शन भी एक्सपोज हो गया अभी एक ग्रेटा वाला भी एक्सपोज हो गया तो जाहिर है जब एक्सपोज हो गया तो भाई इस देश के सामने जवाब दही तो आपको तय करनी पड़ेगी लेकिन इतना जरूर है अगर इस देश के खिलाफ प्रोपागेंडा चलाने की कोशिश करोगे तो कानून के दायरे में इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के पास और पुलिस के पास सरकार भी छोड़ दीजिए जितने अधिकार हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और किए जाने चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसकी जगह वहीं पर है जहां पर वो लड़का था कसाब था वहीं पर है और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं सिर्फ आतंकवाद और बम फोड़ देने का मतलब देश को तोड़ना नहीं होता बम तो शायद है दो चार दस बीस लोगों को पचास लोगों को मारता है ये जिस तरह का प्लान और प्रोपोगेंडा और जिस तरह की कॉन्स्पेरे हो रही थी इससे कितने हजारों और लाखों में चीजें जाती और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की इमेज किस तरह से डैमेज हो सकती थी उसका अंदाजा नहीं है ये उससे भी बड़ा गुनाह है इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए देश की की जनता तरफ से ये भी मांग उठ रही है कि जिस तरीके से एक एक करके लोगों की गिरफ्तारी हो गई है तो वो जल्द ही दिन आने वाले हैं जब योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे नेताओं की भी गिरफ्तारी होगी अब सलीम जी का तो मैंने सुना है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं जाकर लगा है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है 26 जनवरी के बाद से तबीयत उनकी काफी खराब नजर आ रही है मैं उनकी तबीयत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली पुलिस को भी शुभकामनाएं देता हूं कि जाकर एक बार तबियत

तो जाहिर है हरियाणा के फ्यूचर चीफ मिनिस्टर को कहिए कि थोड़ा आए एन से पूछताछ में कोऑपरेशन करें अगर तबियत खराब थी वो ठीक हो गई हो तो बहुत जरूरी आइए और स्वागत है आपका पुलिस अच्छे से करेगी धन्यवाद